Hello everyone, this is Pratibha Bhagat and today I am going to discuss about diseases of cotton. And here are two most important diseases of cotton. First one is black arm and second one is fusarium wilt. पहले हम black arm के बारे में discussion करेंगे. Black arm को हम bacterium blight और angular leaf spot के नाम से भी जानते हैं और यह disease एक bacteria के कारण होता है जिसका causal organism xanthomonas campestris pathobot malvasiarum होता है. इसका symptoms देखते हैं. मोस्टली यह बैक्टीरिया क्रॉप के सारे ग्रोइंग स्टेज में अटैक करता है और जो इसका जो कॉमन सिम्टम्स है वह सीडलिंग ब्लाइटनिंग के रूप में, एंगुलर लीफ स्पॉट, वेन ब्लाइटनिंग, ब्लैक आर्म और बॉल रॉट के रूप में दिखाई देता है. तो इसका जो सिम्टम्स है वह लीफ में स्मॉल डार्क ग्रीन वाटर सोप पैचेस बनाता है जो कि सर्कुलर होता है, जिसे हम एंगुलर लीफ स्पॉट भी कहते हैं. और लीफ धीरे धीरे ड्राई होने लगती है, ड्राई होकर लीफ झड़ जाती है, जिसमें वे प्लांट का जो वेन है, मोस्टली वेन में भी ब्लाइटनिंग के सिम्टम्स शो होते हैं. जो कॉटन बॉल होता है, कॉटन बॉल में भी रॉटनिंग एवं गुमोसिस के लक्षण स्टार्ट हो जाते हैं. बॉल में रॉटनिंग की वजह से हमें जो लिंट का इल्ड है उसमें लॉस होता है. नेक्स्ट है पैथोजन. पैथोजन इसका एक पैथोजन बैक्टीरिया है. तो बैक्टीरिया जो है इसका वह है शॉर्ट है, वह सिंगल पोलर फ्लैजिला है या ग्राम नेगेटिव है और यह एक एरोबिक बैक्टीरिया है और इसकी साइज़ 1.0 से 1.2 माइक्रोमीटर लॉन्ग एवं 0.7 से 0.9 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होती है. नेक्स्ट इस हम देखते हैं इसके डिसीज़ साइकिल के बारे में. मोस्ट मेनली यह डिसीज़ एक सीड बॉर्न डिसीज़ है और यह इसका प्राइमरी इन्फेक्शन जो है वह एक सीड बॉर्न बैक्टीरिया के कारण होता है. जो बैक्टीरिया है वो सीड कोट में स्लिमी मास के रूप में प्रेजेंट होता है और यह प्राइमरी इन्फेक्शन का कारण बनता है. फिर नेक्स्ट इसका सेकेंडरी इन्फेक्शन. सेकेंडरी इन्फेक्शन मोस्टली बाय विंड और रेन स्प्लैश की वजह से होता है. जनरली यह बैक्टीरिया प्लांट में वुंड्स और इंसेक्ट इंजरी के थ्रू एंटर कर पाता है, क्योंकि बैक्टीरिया में किसी तरह का पेनिट्रेशन का ऑर्गन नहीं होता, इसलिए वह मोस्टली नेचुरल ओपनिंग्स या फिर वुंड्स या फिर इंसेक्ट इंजरी के थ्रू एंटर करता है. नेक्स्ट हम देखते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में. जो इसका मैनेजमेंट है हम इसमें कल्चरल और केमिकल कंट्रोल कर सकते हैं. इसे कल्चरल कंट्रोल में हम इन्फेक्टेड प्लांट को रिमूव कर सकते हैं, इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस को फील्ड से रिमूव कर सकते हैं. हमें वॉलेंटियर प्लांट और वीड होस्ट को रिमूव करना होगा. हमें क्रॉप रोटेशन फॉलो करना होगा नॉन होस्ट क्रॉप के साथ. उसके बाद हमें फील्ड में अर्ली थिनिंग करनी होगी, गुड टिलेज करना होगा, अर्ली इरीगेशन, अर्ली अर्दिंग, और हमें पोटाश की मात्रा को बढ़ा के डालना है जिससे कि जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है वो फील्ड में कम हो जाता है. इसके अलावा हम रेसिस्टेंट वैरायटी भी लगा सकते हैं, जैसे कि सुजाता और सुवीन. और इस हम सीड का ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं. सीड ट्रीटमेंट के लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ कर सकते हैं, कार्बोक्सिन का यूज़ कर सकते हैं, एवं स्प्रेइंग के लिए हम स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट का यूज़ करेंगे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ. ये था ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन. अब हम नेक्स्ट देखते हैं फ्यूजेरियम विल्ट के बारे में. फ्यूजेरियम विल्ट एक फंगल डिसीज़ है जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम एफ स्पीसीज वेस इन्फेक्टम के कारण होता है. इसका जो सिम्टम्स कुछ इस प्रकार है. यह डिसीज़ क्रॉप के ऑल स्टेज में इन्फेक्ट करती है. मोस्टली यंग प्लांट में सिम्टम्स लीफ के एजेस पर शो होते हैं. जो लीफ के एजेस होते हैं वो स्टार्टिंग में येलो होना स्टार्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे पूरे लीफ को कवर कर लेते हैं. इस और लीफ के वेन्स में भी डिस्कलरेशन स्टार्ट होने लगता है. लीफ अपनी टर्जिडिटी को खो देती है और पत्तियां भूरी होकर गिरने लगती है. प्लांट के वेस्कुलर सिस्टम में भी ब्राउनिंग और ब्लैकनिंग होने लगती है. और इस डिसीज़ में विल्ट का जो सिम्टम्स है वो या तो वो पार्शली शो होगा या तो वो कम्प्लीटली शो होगा. नेक्स्ट हम देखते हैं इसके पैथोजन के बारे में. ये जो इसका पैथोजन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है एवं 3 स्पोर प्रोड्यूस करता है. यह 3 स्पोर मैक्रोकुनीडिया, माइक्रोकुनीडिया और क्लाइमेडोस्पोर होते हैं. जो इसका मैक्रोकुनीडिया होता है वह 1 to 5 सेप्टेशन होता है. इसका वॉल थिन होती है, फैलकेट होता है और टैपरिंग, दोनों साइड इसके टैपरिंग एंड होते हैं. नेक्स्ट है आपका माइक्रोकोनीडिया. माइक्रोकोनीडिया हाईलाइन होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, स्फेरिकल होते हैं और इलेप्टिकल भी होते हैं. और ये सिंगल और 2 सेल्ड होते हैं और एक कोनीडिया में बंच ऑफ माइक्रोकोनीडिया बियर हुए रहते हैं. नेक्स्ट है आपका क्लाइमेडोस्पोर. क्लाइमेडोस्पोर का जो वॉल है वो थिक होता है एज कम्पेयर टू माइक्रोकोनीडिया. और माइक्रोकोनीडिया जो फंगस है यह वीवोटॉक्सिन और फ्यूजेरिक एसिड जैसे केमिकल्स रिलीज करती है, जिसकी वजह से विल्टिंग का सिम्टम्स पार्शली शो होता है. नेक्स्ट हम देखते हैं डिसीज साइकिल के बारे में. जो इसका डिसीज साइकिल है
वह ये जो फंगस है यह सीड में भी सर्वाइव कर सकता है और सॉइल में भी सर्वाइव करता है। यह सॉइल में एज अ रेस्टिंग स्पोर एज अ सेप्रोफाइट कई साल तक सर्वाइव कर सकता है। और इसमें का जो सीड है, सीड बॉर्न डिसीज है, यह इंटरनली भी सीड होता है और एक्सटर्नली सीड बॉर्न भी होता है। फर्स्ट हम देखते हैं इसका प्राइमरी इन्फेक्शन। प्राइमरी इन्फेक्शन मोस्टली डॉर्मेंट हाइफी और क्लाइमेडोस्पोर जो कि सॉइल में ऑलरेडी प्रेजेंट है उसके कारण इन्फेक्शन, प्राइमरी इन्फेक्शन स्टार्ट होता है। और जो नेक्स्ट इसका सेकेंडरी स्प्रेड है वो क्लाइमेडोस्पोर और कोनिडिया के थ्रू होता है, जो कि इरीगेशन वाटर के थ्रू ट्रैवल करके फील्ड के अनहेल्दी प्लांट को या फिर हेल्दी फील्ड को इन्फेक्ट करते हैं। और इस तरह से ये डिसीज़ का साइकिल चलता रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए हम इसमें कल्चरल और केमिकल टैक्टिस को अपना सकते हैं। जो इसका केमिकल है उसकी केमिकल के लिए हम सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सीड ट्रीटमेंट हम कार्बोक्सिन और क्लोरोथायोनील एवं कार्बेंडाजीम का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम